हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा होम किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मठा के आलू। हमने दही लिए हैं, उसके लिए हमारे पास मठा नहीं था तो हमारे पास दही था, और दही को हमने ग्राइंड कर लिया है। आप इससे भी मिक्स कर सकते हैं और या फिर ग्राइंड में मिक्स कर सकते हैं। और हमने आलू तो 4-5 आलू ले लिए हैं, उबाल लिए हैं और उसको हमने मिक्स कर दिया है। उसको ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, हल्का ही मिक्स करेंगे। हम सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डाले हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं कड़वा लगेगा। मेथी और जीरा, और इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज अगर चाहे तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है, इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। प्याज, लहसुन और मिर्च, अब इसको हम भून लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, ज़्यादा प्याज नहीं भूनेंगे नहीं तो इसका टेस्ट खराब आएगा। प्याज हमारा हो गया है, इसमें हम डालेंगे सरसों, राई, राई भी कहते हैं, चाहे काली वाली सरसों आपके पास और चाहे पीली वाली, दोनों डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 8-10 कड़ी के पत्ते। हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमारा बहुत बहुत मस्त है, इसमें जरूरी है, बहुत अच्छा सा स्वाद आता है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसको थोड़ा भून लेंगे, पक जाए नहीं तो कच्चा रह जाएगा। थोड़ा सा इसमें सांभर मसाला भी डालेंगे 1/2 चम्मच, टेस्ट बढ़िया आता है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे अपना आलू। इसको अब अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट तक ये भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। पहले दही नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे नहीं तो गर्म पास हमारी दही फट जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद दही को हम चलाते रहेंगे नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। अब डालेंगे हम इसमें दही। इसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। जब तक उबाल ना आए तब तक इसको चलाते रहना है। नमक हम लास्ट में डालेंगे नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। इसमें कम से कम 10 मिनट उबाल आने में लगते हैं, तब तक इसको चलाते रहेंगे नहीं तो फट जाएगा मठा हमारा। मैंने इसमें प्याज डाला है, आप चाहे तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है। लहसुन, मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का लगा के भी बन सकता है। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है।
ये देखिए हमारे मीठे के आलू में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम लास्ट में नमक डालेंगे और चलाते रहेंगे स्वाद अनुसार, कि अगर नहीं चलाएंगे तो मीठे के आलू हमारे फट सकते हैं। तो इसको 5 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। इसको मोटा पतला जैसा रखना हो उसी के अकॉर्डिंग आप पानी इसमें ऐड करिएगा। हमने पानी ज़्यादा नहीं ऐड किया है। मटर के आलू अब हमारे लगभग तैयार हुए हैं। ये मैनपुरी और इटावा की फेवरेट डिश है, वहाँ तो हर ओकेजन पे बनती ही है। मठा के आलू देखिए मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। हम फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। अब इसको अब हम गार्निश करेंगे, फिर सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे मठा के आलू न बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है, इसी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब ये देखिए इसमें मैंने धनिया डाला है और कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाला है गार्निश करके। अब हमारे ये मठा के आलू तैयार हैं। इसको चाहे आप रोटी से खाइए, चाहे पराठे से खाइए और चाहे चावल से खाइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।